हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है आउटसाइड। मैं जैसे ही बाहर निकला रूम से तो बारिश स्टार्ट हो गई। मैं थोड़ा यहाँ पे एटीएम मशीन में आया तो पैसे निकालने लगा, तो तब तक बारिश इतने झटके में बारिश चालू हो गई। बहुत अच्छी बारिश हो रही है, देख सकते हैं। ओहो, बहुत ही ठंडी बारिश है, माशाल्लाह यार। और मैं आज जल्दी उठाऊँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ पासपोर्ट ऑफिस, और वहाँ पर मैं पासपोर्ट रीन्यू कराने जा रहा हूँ। मैंने 2 दिन पहले अपॉइंटमेंट लिया था, तो मेरा अपॉइंटमेंट आज का है। तो देखते हैं कितनी देर तक बारिश रहेगी। देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त बारिश है। और ये देख सकते हैं, मैं तो एटीएम में आया था तो बारिश हो गई, तो मैं पेट्रोल पंप में रुक गया। अभी थोड़ा कम हो रही है तो मैं चलता हूँ रूम की ओर, चलता हूँ। देख सकते हैं, थोड़ा भाग के जाना भी है। ये पागल निगाह है, ये पागल निगाह। तो देख सकते हैं बाहर का मौसम बहुत ही ठंडा है और बहुत ही ज़्यादा, देख सकते हैं। तो मैं आपको पासपोर्ट का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, किस तरीके से रिन्यू करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ये देख सकते हैं, ये छल छात्रा आ गया। बारिश का महीना है, कालू के महीना। मुझे नहीं पता ये लाइंस किसने लिखी हैं, पर जिन्होंने भी ये इतनी खूबसूरत पंक्तियां लिखी हैं, उन्हें दिल से मेरा धन्यवाद। ध्यान से सुनना। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, चलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग। आप लोगों का पूरा प्रोसेस बताऊंगा पासपोर्ट यहाँ सऊदी में किस तरीके से रिन्यू होता है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ यहाँ पे रिन्यू। तो उसके लिए आपको 2 दिन पहले जाना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। वो लोग अपॉइंटमेंट देते हैं, डेट देते हैं, टाइम देते हैं, किस टाइम आपको वहाँ जाना है। आपको कुछ भी चेंज कराना है, चेंजिंग करा सकते हैं, लाइक सिग्नेचर, एड्रेस और कुछ भी आप चेंजेस करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके लिए 50 रियाल फ़ीस पड़ेगी, यानी 50 रियाल फ़ीस है जब आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो उसके बाद वो 2 दिन बाद अपॉइंटमेंट देंगे। उसके बाद अपॉइंटमेंट मिलने के बाद आप पासपोर्ट लेने कभी भी जा सकते हो, आप अपने एड्रेस पे मंगा सकते हो और आप वहाँ पे भी लेने जा सकते हो, सही है। तो ये प्रोसेस है। तो मेरा आज अपॉइंटमेंट है, मैं आज जाऊँगा, फिर उसके बाद आपको फिर अपडेट करूँगा क्या सीन है, तो कितना दिन लगेगा, सही है। तो वीडियो में बने रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखना। बारिश देख सकते हैं आप, बहुत ही तेज़ बारिश आने लग गई है। शीशे में देख सकते हैं गाड़ी के वाइपर चल रहे हैं कंटिन्यू, और बाहर थोड़ा अंधेरा अंधेरा भी होने लग गया है क्योंकि बारिश तेज आ रही है। और हम फाइनली हाईवे पहुँच गए हैं, तो कम से कम 20 मिनट बाद हम पासपोर्ट ऑफिस पहुंच जाएंगे। नज़दीक है, राका में है, सऊदी में। तो लेट्स सी, वीडियो में बने रहें, सीधा मिलते हैं हम आपको पासपोर्ट ऑफिस। ओके गाइस, बार बार फोन कर रहा हूँ, बोला भाई मेरा पासपोर्ट मिल गया, अभी कौन सा सीआईडी,
नहीं नहीं थाने में आना पड़ा, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा पास। वो घर भी चला गया, आप ही क्या कुछ भी नहीं, पैसा पैसा। जब हम फाइनली पासपोर्ट ऑफिस पहुंच गए, ये देख सकते हैं ये पासपोर्ट ऑफिस है, यहाँ पे ऐसे गेट करके है, इधर करवाओ मैं आता हूँ, ठीक है? चलो सही गाइस, फाइनली मेरे पासपोर्ट का काम खत्म हो गया है, अब मैं जा रहा हूँ रूम में, देख सकते हैं पासपोर्ट ऑफिस एरिया में, ये एरिया देख सकते हैं यहाँ पे सामने पासपोर्ट ऑफिस है, ये UFC ग्लोबल लिखा है और ये बिल्डिंग है मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ रांका में ये गोल्डन जूस रेस्टोरेंट है, ये देख सकते हैं, इसके पीछे हमारा पासपोर्ट ऑफिस है और यहाँ पे कुछ ज़्यादा वो नहीं है, यहाँ पे लगता है आपका पासपोर्ट कॉपी लगेगा, आकामा लगेगा और 346 रियाल विद डिलीवरी चार्ज एवरीथिंग इसका है, पासपोर्ट पीस है। और आपके पास अगर 2x2 की फ़ोटो है, यानी 2x2.2 की फ़ोटो है तो सही है, नहीं तो यहीं पे फ़ोटो लगानी पड़ेगी। और पासपोर्ट इधर ही रखेगा, यह पासपोर्ट और वीजा आवेदन केंद्र है, यानी कि इंडियन पासपोर्ट एंड वीजा एप्लीकेशन सेंटर, यह है रांका में, सही है, ये देख सकते हैं यहाँ बाहर की लोकेशन ही है। तो गाइस ये देख सकते हैं अभी हम घर वापस जा रहे हैं, पासपोर्ट ऑफिस का काम हो गया लेकिन एक भाई का काम नहीं हुआ, वो आएंगे संडे को और पासपोर्ट रीन्यू करने के लिए आपका पासपोर्ट ही लगेगा और आकामा की कॉपी लगेगी, जौन से कंट्री में आप रहते हैं वहाँ की आईडी लगेगी और 350 फीस है वहाँ की पासपोर्ट की, तो यही है बस, ज़्यादा कुछ प्रोसेस है नहीं, आपको सिग्नेचर चेंज करा सकते हैं, एड्रेस चेंज करा सकते हैं, आप अपनी वाइफ का नाम ऐड कर सकते हैं, आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं पासपोर्ट में, कोई टेंशन नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो में बने रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू।